सो हे बढ़ यार, आप सभी का फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट ड्रैगन पे एंड वी आर अगेन बैक विद लेट्स प्ले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल गाइड एपिसोड नंबर 40। यप गाइस, वी आर फाइनली बैक। 40 एपिसोड हो चुके हैं एंड बस 9 एपिसोड और फिर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। लाइक लोग इतना फोर्स कर रहे हैं मुझे डाउनलोडिंग देने के लिए, ठीक है, बट ठीक है, मिल जाएगा भाई। 50 एपिसोड अंदर उसमें मिल जाएगा आपको, टेंशन मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एंड आज बेसिकली मैं मॉडिट सर्वाइवल बनाने नहीं वाला था। आज आने वाली थी हमारी मॉडिट सर्वाइवल का पार्ट 2, पर मॉडिट सर्वाइवल को अभी और टाइम लगने वाला है, ठीक है। ओके, तो गाइस आज हम करने क्या वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं गन पाउडर फार्म का फुल ट्यूटोरियल, या मैं आपके कह सकता हूँ कि हम बनाने वाले हैं गन पाउडर फार्म, ठीक है, क्योंकि मेरे पास रॉकेट्स की बहुत कमी हो रही है, क्योंकि मैं रॉकेट ऐसे वेस्ट करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, नहीं मैं मन ही नहीं करता ऐसे वेस्ट करने का रॉकेट, तो इसलिए ना थोड़े से कम पड़ रहे हैं रॉकेट मेरे पास, तो मुझे गन पाउडर फार्म की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एंड ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान ले रखा है जैसे चेस्ट वगैरह, एंड एक और है जो मेरी एंडर चेस्ट के अंदर पड़ी हुई है, जो हमारा रेडस्टोन का बॉक्स होने वाला है। एंड यप गाइस, मैंने इसको कलर एंड नेम भी कर दिया। नेम करने के लिए बस आपको इसको एनविल में डालना होता है, एंड एनविल में डालने के बाद ये ऊपर वाला जो है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसको नेम भी कर लोगे। ओके, तो देखो इसमें क्या क्या है, इसके अंदर पिस्टन्स हैं, ये सारे हॉपर्स देखिए मेन रेडस्टोन के सामान है, ठीक है। मैं क्या बताऊँ आपको, रेडस्टोन का सामान है तो हम रेडस्टोन बॉक्स ही कहेंगे इसको, ठीक है। एंड बाकी तो आपको बताइए, मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था क्या क्या है इनके अंदर, ठीक है, ये भी देख लो देख। एंड इसके अंदर मैंने वूल इकट्ठा करके रखी है, वूल मैं बताऊंगा आपको क्यों चाहिए एकदम एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, सस्पेंस नहीं तोड़ना मुझको, ठीक है। तो चलते हैं, इसको भी उठा लेते हैं। एंड एंडर चेस्ट है मेरे पास, यप एंडर चेस्ट भी है, तो वेट अ मिनट, मेरे को एक चीज़ लेनी है गाइस, मेरे पास सच्ची कुछ भी गन पाउडर नहीं है, मुझे थोड़े से रॉकेट बनाने थे, वेट मैं ढूंढता हूँ शायद होंगे इधर। ओके नहीं है, मेरे को 8 ही रॉकेट के साथ जाना पड़ेगा, तभी मैं कह रहा हूँ गाइस मुझे गन पाउडर फार्म की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। ये हम हवा की ऊंचाइयों में, सबसे पहले हमको ना एक वाटर वाली जगह ढूंढनी है, जहाँ पे ओशन टाइप की जगह ढूंढनी है आपको, ठीक है, यहीं कहीं पे मिल जाएगी हमको ओशन, अगर ये चंक्स अच्छे से लोड करे तो। हमको मिल चुकी है एक वाटर वाली जगह, बस ये चंक्स लोड क्यों नहीं करते मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड आपको यहाँ से एक लिली पैड उठा लेना है, आप अगर इसे ब्रेक करोगे तो ये पा गया आपके पास लिली पैड, ठीक है। तो ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा खुली जगह है, लाइक देख सकते हो पूरा ओशन है ये भाई, काफ़ी सही जगह मिली है मुझे, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा सेंटर में जाना है एंड लिली पैड निकाल लेना है, वेट अ मिनट। एंड आपके बूट में अगर डेथ स्प्राइडर होगा तो आप ऑब्वियसली स्पीड में जाओगे, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा ओशन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, मेनली अब ओशन आ गया। एंड वेट पे अभी भी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे जो है आप एक लिली पैड लगा दो एंड इसके ऊपर आ जाओ। वेट मिनट, ओके, तो देखो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। तो अभी बता दूँ लिली पैड जो हमारा वाटर वाली जगह हमने क्यों चुनी है, ठीक है। वाटर में क्या रहता है, सिर्फ एक ही तरह का जो है मॉब स्पॉन होता है, हम फिशेस वगैरह की बात नहीं करें, मैं हॉस्टाइल मॉब्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही तरह का हॉस्टाइल मॉब स्पॉन होता है जो है हमारा ड्राउंड, एंड बाकी कोई भी मॉब जो है वाटर के अंदर स्पॉन नहीं होता है। बट अगर हम वही चीज़ सर्फेस पर करते हैं, सर्फेस में क्या रहता है, बहुत सारे लाइक सारे मॉब जो है सर्फेस पर स्पॉन होते हैं, क्रीपर ले लो, स्केल्टन ले लो, जॉम्बी ले लो, या विलेजर जॉम्बी ले लो, ठीक है, ये सारे के सारे जो है हमारे उस पर सर्फेस पे स्पॉन होते हैं, बट वाटर पे नहीं कोई स्पॉन होता, सिर्फ वाटर पे सिर्फ ड्राउंड ही स्पॉन होंगे, एंड उससे ज़्यादा कोई नहीं। देखो वो रहा है कि उधर ड्राउंड है, ठीक है। बट अगर हम एक मैक्सिमम हाइट पे जाएं तो हम इसको भी जो है रोक सकते हैं, हम ड्राउंड के स्पॉन को रोक सकते हैं एंड अपने क्रीपर के स्पॉन को इस अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है स्कैफोल्डिंग चाहिए, बहुत सारी तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग चाहिए, मेरे कहाँ गए सारे। ओके, तो ये रहा मेरी स्कैफोल्डिंग वाला बॉक्स, एंड अगर मैं इस बॉक्स ओके लग गया तो यहाँ से आपको स्कैफोल्डिंग निकाल लेनी है, उसको 61 निकाल लो। एंड अभी देखो आपका जो आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो, जो आपका सेंटर वाला है, जो आपकी हाइट बताता है कि आप कितनी हाइट पे हो, ठीक है, उस पर आपको 150 ब्लॉक ऊपर जाना है, ठीक है। इसके ऊपर होता नहीं है क्या, क्या फोल्डिंग नहीं हो रहा इसके ऊपर, ठीक है, मैं इधर करने की ट्राई करता हूँ, इस पर भी नहीं होता, बहुत सही। ओके, तो अभी आपको 150 ब्लॉक ऊपर जाना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम 150 ब्लॉक आ चुके हैं, इनको ब्रेक कर दो बाकी ऊपर वालों को, बट यहाँ पे हम 52 पे है, तो हमको इसको भी ब्रेक करना है एंड इसको भी ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा 150 ब्लॉक। ओके, तो अभी आपको यहाँ से बिल्ड करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो बिल्डिंग के लिए अपने जितने भी आपके पास ब्लॉक्स है वो निकाल लो, जैसे कि इसको इधर ढक दें।
ओके तो गाइस यहाँ पे हमारा ये वाला बॉक्स भी आ गया। तो हमको एक चेस्ट चाहिए, चेस्ट के अंदर हम अपना जो भी फालतू सामान है जो हम इस बिल्ड के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारा इन्वेंटरी एक तरफ से घेर रहे हैं ठीक है, उनको हम इधर डाल देंगे। अगर इनकी हमको ज़रूरत तो है नहीं बेसिकली फिलहाल के लिए, तो इन सभी को हम इधर डाल देंगे। बस अपने पास एक पिकेक्स रखेंगे क्योंकि पिकेक्स की तो ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड फूड का थोड़ा सा सामान रख लेंगे ठीक है। तो अभी आपको जो है यहाँ से, वेट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करूँ तो अभी आपको यहाँ से 16 ब्लॉक जाना है, एंड इस साइड से भी 16 ब्लॉक जाना है, एंड एंड पे जाके उनको कनेक्ट कर देना है, जिससे आपके पास 17x17 का एक पूरा प्लेटफॉर्म आ जाएगा ठीक है। तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 17x17 का प्लेटफॉर्म बना लिया है। अब हमको क्या करना है, इसको भर देना है बीच में से ठीक है। इसमें मुझे पता है बहुत सारे स्टोन लगेंगे, बट हमें इसको भरना ही है बेसिकली। और कितने देख सकते हो हमने प्लेटफॉर्म को भी भर दिया, वैसे लास्ट ब्लॉक को भर दिया ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 17x17 का प्लेटफॉर्म हो जाता है, एंड मुझे अपने वाले प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि अभी फार्म थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है ठीक है। तो सामान को उठाते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं ओके। ओके तो गाइस यहाँ पे देखो इस प्लेटफॉर्म पे जो है मॉब्स स्पॉन होने लग गए हैं ठीक है, एंड रात का समय तो यहाँ पे आप सो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, बट ठीक है अगर आपको इनको स्पॉन को रोकना है तो आपको बस अपनी सेटिंग में जाना है ठीक है। यहाँ पे मैं कोई क्रिएटिव ट्रिक नहीं बताने वाला, बस आपको अपने इसमें जाना है, डिफ़िकल्टी में जाके इसको पीसफुल कर देना है, एंड ये आप बिना क्रिएटिव के भी कर सकते हो ठीक है। तो देख सकते हो सभी के सभी डिस्पॉन हो चुके हैं, एंड मैंने ये प्लेटफॉर्म ऐसे क्यों बनाया है वो मैं बता दूँ ठीक है। तो सबसे पहले तो है मुझे इधर ऊपर जाना है, देन मैं बता दूँ क्यों बताया मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म ठीक है। तो इधर तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं जिसमें हम उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाएँ ठीक है, एंड ये कर लेते हैं ओके। तो अभी क्या करना है आपको, अभी जो है इधर एक ब्लॉक प्लेस करना है, एंड इधर से एक एंड दो एंड तीन ब्लॉक निकाल देना है इधर से ठीक है। तीन ब्लॉक निकालने के बाद ये वाला ब्लॉक को आपको ब्रेक कर देना है, एंड अभी आपको ये तीन ब्लॉक्स को पूरा का पूरा घुमाना है, लाइक पूरा एक जो है राउंड कर देना है इसको ठीक है। पूरे हर एक जगह पे जो है सेम टू सेम पैलेट बना देना है आपको, जैसे कि ये ऐसे करके, या आप इधर से भी जाओगे तो आपको सेम ही करना है लाइक ऐसे ये वाला ठीक है। तो आपको ये पूरी जगह पे 3x का कर देना है, तीन ब्लॉक्स का ऐसे पूरा फैला देना है ठीक है। देख सकते हो ये वाला भी हो गया, वेट अ मिनट, ये शायद गलत हो गया। टड़प गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये भी तीन का बन चुका है। अभी आपको लास्ट एक और सर्कल बनाना है, वो बताता हूँ कैसे। तो आपको यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करना है, देन यहाँ से एक बाहर को ब्लॉक निकाल देना ठीक है, एंड देन इसको ब्रेक कर देना है, एंड अभी आपको सेम जो है पैटर्न पूरी जगह पे ऐसे करना है ठीक है, ऐसे ऐसे निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है मेन वाटर फ्लो आएगा, एंड ये वाटर फ्लो जाके वहाँ पे सेंटर के अंदर जाके मिलेगा ठीक है, जिससे जो भी आपका लूट है वो सीधा अंदर जाएगा ओके। तो हम जो है इसको भी जल्दी से कंप्लीट करके आते हैं ओके। ओके तो गाइस मेनली अब स्मूथ स्टोन का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो है रूफ़ जो बनेगी वो सीधा स्मूथ स्टोन से बनेगी, एंड बाकी पूरा काम जो है अब कबल स्टोन का होने वाला है ठीक है। एंड देख सकते हो स्मूथ स्टोन भी थोड़े से रह चुके हैं बस ओके, तो ये भी हो जाएगा ओके। तो अभी जो है हमको कितने ब्लॉक लूँ मैं यहाँ से, वेट अ मिनट, अभी ले लेने आपको कबल स्टोन जितने भी आप अपने इन्वेंट्री में रख सको, फिलहाल के लिए तो उतने ले लेने ठीक है। अभी मैं थोड़े से ही लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेंगे ओके। तो इसको रख देते हैं इधर, एक रो ले लेते हैं पूरी ठीक है। तो वेट अ मिनट, तो अभी जो है अभी वाटर का काम आएगा, बट अभी रहने देते हैं वाटर को ठीक है। तो अभी आपको ये वाले ब्लॉक से जो है 6 ब्लॉक ऊपर जाना है ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो ये 6 ब्लॉक ऊपर आ गए, तो अभी आपको यहाँ से 17x17 का एक पूरा का पूरा घेरा बनाना है। कि देखो ये जो मेन बीच का 17x17 का है वही जो है हमारे मॉब स्पॉनर की जगह बनेगी, एंड ये एक्स्ट्रा इसलिए है कि जब भी मॉब्स गिरते हैं वो बाहर की तरफ ना गिर जाएँ, तो इसलिए ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म हमने साइड में बना रखा है ठीक है। तो आपको कहना है आपको ये वाले सारे ब्लॉक्स तोड़ देने हैं, ये वाले तोड़ देना है, एंड बस ऊपर वाले ब्लॉक को रहने देना है, एंड यहाँ पे स्कैफोल्डिंग लगाना है जिससे आप ऊपर जा सको बार बार। मैं वेट वेट ले लेता हूँ थोड़ी सी ओके। तो अभी जो है आपको यहाँ से 17x17 का जो है क्रॉस करना है ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा 17 का बनाना है, फिर बीच में भी आपको करना है, बीच में से भरना नहीं है, बट मैं बताता हूँ बीच में करना क्या आपको ठीक है। ओके तो गाइस यहाँ पे देखते हो यहाँ पे हो चुका है हमारा 17x17 का घेरा कंप्लीट। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये वाले ब्लॉक को एक एक ब्लॉक को छोड़ के जो है यहाँ पे ऐसे बनाते जाना है ठीक है। तो वेट अगर कहाँ चलना यार ओके ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो अभी आपको ये कहना है आपको ये पूरी की पूरी लाइन जो है सामने तक बना देनी है, सभी जगह पे सेम टू सेम करना है, एक एक ब्लॉक बस छोड़ना है आपको, एंड लाइनें क्रिएट करनी है ठीक है। एंड ओके तो यहाँ पे देख सो एकदम हो चुका है, इक्वल हो चुका है सभी के पास एक एक ब्लॉक से। तो अभी आपको लाइन क्रिएट करनी है इनकी ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे बस मैं ऐसे सीधा चलता रहूँगा, एंड सभी पे आपको सेम टू सेम करना है ओके।
ऑल राइट, तो गाइस यहाँ पे देखते हो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अभी आपको एक और चीज़ करनी, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लाइंस के, यार एक तो ये मुझे पता नहीं है गोस्ट से क्यों बन जा रहे हैं, ब्लॉक दिखते हैं ठीक है। तो अभी आपको ये ऐसे ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं जिसमें से जो है आपके पास सिर्फ एक ही ब्लॉक का गैप रह जाए बीच में, ठीक है। बेटा ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसे क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो ये वाले जो एम्प्टी ब्लॉक्स होंगे ये होंगे हमारे ट्रैप, जिसके अंदर क्रीपर जब भी आसपास घूमेगा तो वो इनके अंदर घुस जाएगा एंड गिर जाएगा नीचे, ठीक है, एंड हमारे किलर के पास पहुंच जाएगा। तो सिंपल एंड इजी डैट, ओके। तो अभी आप जल्दी से ये वाला भी सिस्टम कर लो, एंड ये लास्ट है, फिर इसके बाद जो है बाकी बस आपको ये कॉपी पेस्ट करते रहना है ऊपर। पता नहीं कैसे करोगे बट आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। फाइनल स्टेप भी जो है कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रैप डोर्स, बटन्स, वो सारी चीज़ें लगानी है, बट वो लगाना है जब आपके सारे लेयर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे जाना है एक एंड दो ब्लॉक, एंड ये तीसरे ब्लॉक पे जो है आपको ये वापस से शुरू कर देना है, ठीक है। तो दो ब्लॉक इसलिए क्योंकि हम फिट हो पाएँ, क्योंकि एक ब्लॉक में हम फिट नहीं हो पाएंगे, एंड उससे ऊपर करोगे तो फिर एंडरमैन स्पॉन होना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम तीन ब्लॉक को जो है अभी बनाएंगे, लाइक सेम टू सेम ये जो कॉपी किया आपने ये इधर कॉपी करते रहना है, जितने भी लेयर आपको चाहिए। मैं बेसिकली पांच लेयर्स का बनाऊंगा, तो मुझे ये पांच बार कॉपी करना है ऊपर ऊपर तक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ टास्क होने वाला है, तो थोड़ा सा खा पी लो यार, क्योंकि ये सच्ची में मुश्किल टास्क है। तो मिलते हैं दो तीन साल बाद जब हो जाएगा ये कम्प्लीट। 2000 years later. ओके, तो गाइस फाइनली ये कंप्लीट हुआ है। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं लाइक फोकस से काम कर रहा था, ज़्यादा टाइम लगा नहीं मुझे, ठीक है। बट कंप्लीट हो गया यार, ये टाइम तो लगा है इसने, जैसा भी कहो, ठीक है। एंड अभी चाहिए हमको अपने सारे वुडन लॉक्स, क्योंकि अभी हमको बनाने बटन एंड ट्रैप डोर्स एंड कबल स्टोन तो भाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एंड कबल स्टोन का काम भी खत्म हो चुका है, ठीक है। जितने भी कबल स्टोन है आप घर में लेके जाओ, मौज करो, ठीक है। तो अभी ले लेते हैं अपने सुप्रूस, भर भर के सुप्रूस ले लेते हैं, ठीक है। एंड इन सभी का प्लैंक्स मेरी क्राफ्टिंग टेबल का है, वेट अ मिनट, ये रखी क्राफ्टिंग टेबल, एंड इसको भी निकाल लो अभी आप, एंड इन सभी का बना दो प्लैंक्स, बना लो सभी का, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इन प्लैंक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ बटन्स बना लो, कितने अभी एक स्टैक नहीं, हमको कुछ चार या पाँच स्टैक फिलहाल बटन बना लो, फिर उसके बाद बाकी बटन्स का देखते हैं क्या होगा। ओके, तो गाइस अभी मैंने फिलहाल तीन ही स्टैक बनाए, मुझे लगता है शायद ये ना लाइक कम पड़ जाए, ज़्यादा पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। सो वेट अ मिनट, एंड ये वाला कबल स्टोन भी तो लगाना है। ओके, तो गाइस फिलहाल मैंने तीन ही स्टैक जो है बटन बनाए, तो अभी आपको कहना है आपको इधर बटन लगाना है, एंड एक एक ब्लॉक छोड़ के अब आपको बटन्स लगाते जाना है, ठीक है। सिर्फ ये मेन बीच वाली लाइन एंड ये वाली लाइन्स, ठीक है। तो आपको अभी बटन्स लगाते जाना है इधर, ओके। तो गाइस ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, लाइक सभी बटन्स आ चुके हैं अपनी अपनी जगह पे। अब आता ही मीन, तो अभी हमको ट्रैप डोर्स बनाने हैं। अब ट्रैप डोर्स पता नहीं यार कितने बनाने होंगे, बट हम It was at this moment that he knew he fucked up. ले जाते हैं। ओ गाइस मैंने स्लैब्स बना लिए गलती से। पर ये स्लैब का क्या लफड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमको ट्रैप डोर बनाने हैं, ट्रैप डोर ये रहे, ओके ठीक है। तो ये दो स्टैक आ जाते हैं अभी, दो स्टैक एंड और, तो कितने हो जाते हैं हमारे पास फिलहाल के लिए, अभी इतने लेके जाते हैं। अगर हमको और ज़रूरत पड़ते हैं तो हम बाद में वापस आएंगे, क्योंकि मैं वुड को वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे हमारे पास सिर्फ बटन में 50 और रह गए, लाइक मैंने कुछ दो स्टैक और बनाए थे, ठीक है। तो इसको ब्रेक करो, तो देखो अब स्लैब आप, सॉरी ये जो क्राव ये है हमारे ट्रैप डोर्स, ये कहाँ लगाने हैं? तो ट्रैप डोर्स आपको ये एजिस पे लगाने हैं, वेट अ मिनट, ओके ठीक है यार इधर लग जा। तो आपको ट्रैप डोर ऐसे एजिस वगैरह पे लगाने हैं, ठीक है, ठीके? ये हो गया, यहाँ पे लगाने हैं, एंड इन गैप्स के बीच में लगा के इनको खोलना है। अरे यार ये खोलना था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गंदा हूँ एक नंबर का। ओके, तो टेक टू गाइस, यहाँ पे ये ट्रैप डोर्स लगा के आपको खोल देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ट्रैप डोर्स लगाओगे उनको खोल देना है, एंड साइड वालों को भी सेम करना है, इनको भी खोल देना है, ठीक है। बट अभी मैं फिलहाल इसके ऊपर चलूँगा, तो मैं इसे फिलहाल के लिए जो है ओपन ही रहने देता हूँ। तो आपको ये सारे पाँचों के साथ करना है, ठीक है, जितने भी ये पाँच आपके। ये मुझे अभी डैमेज क्यों मिला ये, ठीक है गाइस मैं करके आता हूँ उसको, ठीक है। ओके, तो गाइस सच, ओफ शेड, मैं क्या कर रहा था। ओके, तो गाइस सच्ची बताएं तो इसने ट्रैप डोर नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, अभी भी ट्रैप डोर का ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ट्रैप डोर यूज़ होने हैं और बहुत सारे होने हैं, ठीक है। अभी क्या रहता है, देखो हमने ट्रैप डोर्स लगा दी, बस मैंने 9 स्टैक एक्स्ट्रा बनाए थे ट्रैप डोर्स, जिसमें हमारा हो गया, ठीक है। अभी पहले नीचे चलते हैं, अभी ट्रैप डोर्स ख़त्म नहीं हुए भाई, अभी टेंशन मत लो, अभी बहुत ट्रैप डोर्स और लगाने हैं तुमको, टेंशन मत लो, अभी ट्रैप डोर्स का कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो है हमको और थोड़े से ट्रैप डोर्स बनाने पड़ेंगे, तो और थोड़ी सी वुडन लॉग्स ले लेते हैं। मेरे को लगा था यार वुड मेरा बचेगा, ये तो
खत्म हो रहा है कितनी गंदी तरीके से वो भी। ओके तो गाइस अभी हमने बना लिए हैं 6 स्टैक ट्रैप डोर्स के, तो अभी आपको बताते हैं, अभी थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी हो सकता है, नहीं ऐसे इतना भी ट्रिकी नहीं होगा, बस ठीक है बता रहा हूँ मैं, रुको। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे अभी बटन आएगा, यहाँ पे मैंने अभी ऊपर जाने के लिए रख रखा है, तो यहाँ पे मैंने बटन लगाया नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना है ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एक ट्रैप डोर, ठीक है। यहाँ पे बटन है तो यहाँ पे ट्रैप डोर नहीं आएगा, तो यहाँ पे फिर से ट्रैप डोर, ठीक है। फिर बटन है, फिर ट्रैप डोर नहीं आएगा, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको एक एक गैप छोड़ के ट्रैप डोर लगाते रहना है, हर एक में एक एक गैप छोड़ के आपको ट्रैप डोर लगाने। देखो यहाँ पे बटन नहीं है तो मैं एक ट्रैप डोर यहाँ या अलग कर दे, ओह सॉरी मैं कवर स्टोन लगा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रैप डोर लगाना है, ठीक है। तो आपको बस ऐसा करना है कि जहाँ पे ऐसे गैप छूटे थे, आप बस आपको यहाँ यहाँ पे गैप छोड़ने, जहाँ जहाँ पे बटन लगे हैं वहाँ वहाँ पे ट्रैप डोर नहीं लगाना है, और जो भी एक्स्ट्रा जगह है जहाँ पे जो है बटन नहीं लगे हैं वहाँ पे ट्रैप डोर लगा देना है, ठीक है। और मैं एंड में एक्सप्लेन करूँगा कि ये बटन और ये ट्रैप डोर का हमने क्यों इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। अभी तो टाइम लगेगा, ये फिर से मुझे डैमेज मिला, ये किस चीज़ का डैमेज था, किस चीज़ का डैमेज था ये। ओके तो गाइस जब तक हम फार्म बना रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो जो ट्रैप डोर्स एंड बटन वाली चीज़ें हमने लगाई थी वो क्यों लगाई थी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को लाइक पूरा फार्म बनाने के बाद भी जो है पता नहीं चलता है कि हमने बटन एंड वो ट्रैप डोर्स किस लिए लगाए थे, उनका काम क्या है, ठीक है। तो अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने ट्रैप डोर्स लगाए थे वो क्यों लगाए थे। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे मैंने सभी को एक खड़ा कर रखा है, बट यहाँ पे देखो ये 2 ब्लॉक जितना है, ये भी 2 ब्लॉक जितना है, बट क्रीपर चेक कर सकते हो छोटा है, काफ़ी छोटा है, लाइक वो ट्रैप डोर के अंदर भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। सो जो हमारे ये ब्लॉक, ये जो मॉब्स होते हैं नॉर्मल मॉब्स, ये 2 ब्लॉक जितने होते हैं, पर क्रीपर हल्का सा छोटा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको ट्रैप डोर लगाना पड़ता है जिससे ये बाकी के मॉब्स में वो स्पॉन ना हो पाए, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम हस्क को देखें तो इसकी हाइट इन सबसे बड़ी है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लॉक चाहिए रहता है, ठीक है। ये देखो ये वाला ब्लॉक है हमारा, बट आउटलाइन के ऊपर देखो, इसका आउटलाइन के ऊपर हेड जा रहा है, ठीक है। बट इनमें देखोगे तो इनका पूरा हेड जो है आउटलाइन के अंदर आ रहा है, तो मतलब हस्क में एक थोड़ा सा जो है हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। तो ट्रैप डोर बस हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम उनके स्पॉन्स को रोक पाए एंड सिर्फ हमारे क्रीपर का ही स्पॉन हो पाए, ठीक है। तो देखो हमने इनके स्पॉन तो रोक लिए क्योंकि ये नॉर्मल मॉब्स हैं, अगर आप ओशन पे जाओगे तो सिर्फ यही 3 स्पॉन होने वाले हैं, बट हमने उन दोनों के रोक दिए। अब हमको रोकना है स्पाइडर का स्पॉन, ठीक है। तो स्पाइडर के स्पॉन के लिए आपको ना 4 ब्लॉक चाहिए रहते हैं, जैसे कि ये देख रहे हो, तो ये 4 ब्लॉक है, ठीक है। तो इस 4 ब्लॉक की ये जो बीच में जो जगह है ना वहाँ पे स्पाइडर स्पॉन होगा, लाइक इन 4 ब्लॉक के एकदम बीच में स्पॉन होगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ एंड इस बटन को लगा देता हूँ इधर, तो ये 4 ब्लॉक बन जाएंगे, सिर्फ 3 ब्लॉक। तो अब स्पाइडर इसके अंदर स्पॉन नहीं हो सकता है, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है मैंने कहा था कि हर एक ब्लॉक छोड़ने के बाद बटन लगाने हैं, तो देखो ये 4 ब्लॉक आपने ढक दिया, ये 4 ब्लॉक आपने ढक दिया, बट ये 4 ब्लॉक अभी भी आपने नहीं ढका। तो यहाँ पे एक बटन लगा दोगे तो वो 4 ब्लॉक भी ढक जाएंगे, जिससे अब स्पाइडर बिल्कुल भी स्पॉन नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो यही था बस इसका, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं एक स्पॉन एग लेता हूँ एंड यहाँ पे स्पॉन करता हूँ, तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो पूरे 4 ब्लॉक जितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पूरे 4 ब्लॉक जितना बड़ा है, बट अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, भले ही आप देखो स्पॉन एग से तो है जो आप खुद ब खुद इनको स्पॉन कर सकते हो, देखो ये भी स्पॉन नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया, अगर मैं स्पॉन एग अंदर मारने की ट्राई करता हूँ तो ये बाहर ही स्पॉन होगा, देख सकते हो बाहर ही स्पॉन हुआ, ठीक है। क्योंकि इनको भी जो है लाइक अंदर स्पॉन हो ही नहीं सकते हैं। एक मिनट, अगर मैं यहाँ से सभी को किल कर देता हूँ एक मिनट के लिए, एंड यहाँ पे जो है देख सकते हो हस्क भी जो है इसके अंदर स्पॉन हो जाएगा, बट नेचुरली बात करें तो वो स्पॉन नहीं हो पाएगा, बाकी तो आप स्पॉन कर सकते हो किसी को भी, किसी भी चीज़ से, ठीक है। ये देखो जोम्बी भी स्पॉन हो जाएगा उधर, बट ये देखो स्केल्टन भी स्पॉन हो जाएगा, बट अगर आप नेचुरली बात करोगे तो नेचुरली बस ट्रैप डोर के नीचे क्रीपर ही स्पॉन हो सकते हैं, तो इसलिए हम क्रीपर सॉरी जो ट्रैप डोर है और बटन इसीलिए यूज़ करते हैं। पहले तो ट्रैप डोर हम यूज़ करते हैं अपने स्केल्टन एंड जोम्बी के स्पॉन को रोकने के लिए, एंड बटन यूज़ करते हैं हम क्रीपर और सॉरी स्पाइडर के स्पॉन को रोकने के लिए, ठीक है। बस इतना ही था, इजी था, काफ़ी ज़्यादा इजी था ये, ठीक है। ओके तो गाइस फाइनली हमने ये वाला भी कर लिया है, लाइक सारे ट्रैप डोर्स वगैरह लगा दिए हैं, पता नहीं मैंने कुछ 11-12 स्टैक एक्स्ट्रा और बनाए थे ट्रैप डोर्स, तो वो भी हमने लगा दिए हैं। अब आता है हमारा 3rd लास्ट स्टेप, एंड उसके लिए मुझे वापस से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हमको अपने स्मूथ स्टोन चाहिए।
ओके तो गाइस यहाँ पे मैं स्मूथ स्टोन का कुछ ज़्यादा ही बड़ा चीज़ लेके आ गया। तो यहाँ पे हमको इतने सारे स्मूथ स्टोन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, पर बहुत की पड़ेगी, ठीक है। तो हमको जाना है दो ब्लॉक ऊपर, एंड वेट मिनट, अगर मेरी इन्वेंटरी खुल जाए आज के दिन में। ओके खुल गया। पता नहीं गाइस ये गेम ना कुछ ज़्यादा ही अजीब सी बिहेव कर रही है, ठीक है। तो आपको दो ब्लॉक ऊपर जाके जो है पहले अपने 17x17 का यहाँ पे प्लेटफॉर्म पूरा करना है, देन उसके बाद बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। पहले 17x17 का प्लेटफॉर्म पूरा कर लो। ओके तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने 17x17 का प्लेटफॉर्म पूरा कर लिया। तो अभी आपको क्या करना है, आपको वेट अ मिनट, पहले मैं कवर स्टोन ले लूँ, ये कम पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ से 10 ब्लॉक और बढ़ाना है। एक हो गया, दो, तीन, देन चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ एंड 10, ठीक है। दस, ओके। तो 10 ब्लॉक यहाँ से बढ़ा दिया आपने, एंड देन सेम आपको इस साइड से भी करना है, ठीक है। ओके तो अभी आपको कहना है, आपको इसको उसके साथ कनेक्ट करना है, बाकी जो है आपको पूरा का पूरा इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि होगा क्या है, जब भी आप यहाँ तक देखो, यहाँ तक अगर आप बनाते हो तो ये क्या करता है, ये सिर्फ जो है मिडल के अंदर ही जो है अंधेरा करता है, बट जो इसकी एजिस हैं, जहाँ पे एजिस पे आप देख सकते हो अभी भी रोशनी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमको इतना लंबा करना है जिससे यहाँ पे रोशनी रहेगी बट यहाँ पे आके अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, जिससे मॉब्स जो हैं हमारे इस एजिस पे भी स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये 10 ब्लॉक जो है हर एक साइड से निकालना है, एंड उसको बाद में जो है कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से, ठीक है। एंड ये एक थर्ड लास्ट स्टेप है, मैं फिर उसके बाद बाकी दो स्टेप्स के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। ओके तो गाइस यहाँ पे मेरे पास ये 5 स्मूथ स्टोन रह गए, एंड ये देखो ये इतना पड़ा है। और कुछ लोग कहेंगे भाई जाके नीचे से ले आया, तो नीचे भी तो रख के आया था। नहीं गाइस सब खत्म हो गया, मैं अभी जस्ट नीचे से लेके ही आया हूँ, ठीक है। 2-3 स्टैक थे उसमें भी, वो भी ख़त्म। ओके तो गाइस हो चुके हैं खत्म के। तो देखो यार इतना पड़ा है, अब मैं वापस से स्मेल्ट वगैरह करने जाऊँगा नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूँ इसमें कबल स्टोन यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, किसको पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे को तो यार कबल स्टोन यूज़ करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, आई कान डू एनीथिंग गाइस फिलहाल। तो चलो कबल स्टोन के साथ ही चाहते हैं। तो देख सकते हो अंधेरा कैसे शुरू हो चुका है होना, एंड देखो ये रहा स्मूथ, नहीं ये रहा स्मूथ स्टोन का डब्बा, एंड ये पूरा का पूरा ख़त्म है। यार कितना अजीब लगेगा फार्म ऊपर से, आधा कबल स्टोन एंड आधा स्मूथ स्टोन, ठीक है, बट चलेगा इतना। क्या कर सकते हैं गाइस, सहना पड़ता है कभी कभी, सह लेंगे थोड़ा सा। ओके तो गाइस ये वाला स्टेप भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी देखो अभी होगा क्या कि जैसे नीचे स्पॉन होंगे वैसे ही ये वाला सरफेस भी स्पॉनेबल है, इस पर भी मॉब स्पॉन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मॉब इसी पे स्पॉन होंगे, फिर नीचे वालों का रेट कम हो जाएगा एंड नीचे कोई स्पॉन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको अनस्पॉनेबल बनाना है, उसके लिए आप टॉर्चेस का यूज़ कर सकते हो जो मेरे पास फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो टॉर्चेस आपको कैसे लगानी होंगी वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपने एक टॉर्च यहाँ पर लगाई, ठीक है, देन आपको 1, 2, 3, 4 ब्लॉक छोड़ के एक और टॉर्च लगानी पड़ेगी, जो एक लाइक मेरा ना बेफालतू है बार बार गिनना, ठीक है, मैं वो काम नहीं करता, ठीक है। या आप स्लैब्स का यूज़ कर सकते हो, बट इतनी बड़ी जगह स्लैब से भरना, मेरे पास स्मूथ स्टोन भी नहीं है वैसे भी, तो मैं भर नहीं सकता, ठीक है। तो उसके लिए आता है हमारा वूल, नहीं वूल से नहीं भरना आपको, आपको यहाँ पे कारपेट्स लगा देने, ठीक है। तो कारपेट्स भी एक अनस्पॉनेबल वो होते हैं, ब्लॉक तो नहीं कह सकते, उसे कारपेट ही कहेंगे, ठीक है। तो वो एक अनस्पॉनेबल थिंग है, ठीक है, तो हम उसका यूज़ करने वाले हैं, एंड वो चीप भी है, लाइक मेरे पास वूल फार्म है इतना तगड़ा, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ आराम से। एंड अभी आप चेक करोगे इस पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है, बस जैसे हम वूल लगा देंगे तो शायद थोड़ा और इफेक्ट पड़ जाए, क्या पता है ना। तो वैसे ही मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारी वूल लाया था, बट मुझे पता नहीं है कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि 2 वूल से जो है 1-2 कारपेट बन जाती है, ठीक है, तो हमको यूज़ करनी पड़ेगी 8 स्टैक वूल यूज़ करते हैं, देखते हैं कितना बनता है। अच्छा 3 बनती हैं, सॉरी 3 बन जाती हैं, ओके। पेज जो है ये भी बन चुका है हमारा, लाइक ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। पता नहीं अब मुझे नीचे जाने का रास्ता कहाँ से था। ओके ठीक है, हम नीचे भी आ चुके हैं। तो अभी आपको एक और चीज़ करना है, लाइक अभी तो बहुत चीज़ें करनी है, लाइक अभी भी फार्म लाइक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें करनी है आपको अभी, ठीक है। तो मेरे पास ट्रैप डोर्स तो इनफ है, क्योंकि हमको लास्ट वॉल के ऊपर भी ट्रैप डोर लगाना है, तो सबसे पहले हम वो लगाएंगे, एंड देन उसके बाद अभी स्टोरेज सिस्टम बनाना बाकी है भाई, इसके लिए स्टोरेज भी तो चाहिए ना हमको, नहीं तो बेफालतू का सामान जाएगा कहाँ पे, ठीक है। तो स्टोरेज बनाना है अभी अपन को, एंड इसको कलेक्शन वाली जगह बनानी है नीचे वाटर फ्लो से, ठीक है, जहाँ पे ये लोग गिरेंगे, ठीक है। एंड ट्राइडेंट किलर बनाना है इनको मारने के लिए, वो भी ज़रूरी चीज़ है। ओके यप,
ठीक है। तो जैसे आपने नीचे किया था सेम टू सेम ट्रैप डोर के साथ वैसे ही करना है, जैसे कि यहाँ पे तो अभी बटन आएगा तो ये एम्प्टी जगह है, तो यहाँ पे जाएगा ट्रैप डोर एंड देन एक ब्लॉक छोड़ के एक और ट्रैप डोर, एक ब्लॉक छोड़ के एक और ट्रैप डोर, वही वाला सिस्टम है, ठीक है। तो वो जल्दी से कर लो। ओके तो गाइस ये वाला भी खत्म हो गया। तो अभी हमको ऊपर का कोई काम नहीं है, तो अभी जो है हमको यहाँ पे बटन लगाते हुए जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बटन मिस नहीं कर सकते हम। अरे बटन है ये रे, तो यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं एंड यहाँ से नीचे चलते हैं अब हम। शेट, यहाँ पे तो ट्रैप डोर है, ट्रैप डोर को भी तोड़ सकते हैं हम। ऑल राइट, तो यहाँ पे लगा देते हैं इसको वापस से एंड ट्रैप डोर खत्म हुआ ऊपर का काम। तो अभी हमको स्टोरेज सिस्टम पे वर्क करना है। सबसे पहले हमको वाटर फ्लो पे वर्क करना है। तो वाटर फ्लो के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक इन्फिनाइट सोर्स बनाना है अपने लिए, ठीक है। इन्फिनाइट सोर्स बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको पहले चार ब्लॉक प्लेस करने हैं ऐसे एंड देन इन चारों को जो है तीन तीन से आगे निकालना है, दो दो से आगे निकालो, ठीक है, दो दो से ऐसे आगे निकाल लो एंड देन यहाँ से दो दो उठा दो ऐसे करके एंड यप यू कैन मेक इन्फिनाइट सोर्स इन दिस। मैं वाटर बकेट लाया होऊंगा तो बना सकते हो। ओ यप गाइस मैं वाटर बकेट लाया हूँ, बस एक में पानी है और एक में नहीं है, तो एक मुझे डाइव करनी पड़ेगी थोड़ी सी। प्लीज बन रही हूँ मत। बूम, ओह ये क्या है, मेरी स्कैफोल्डिंग इधर क्या कर रही है। अभी आपको इन्फिनाइट सोर्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉर्नर पे एक बकेट डालनी है एंड सेकंड बकेट आपको सेकंड कॉर्नर पे डालनी है। तो अभी आप यहाँ से जितनी भी बकेट निकालना चाहो उतनी बकेट निकाल सकते हो, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे चार ब्लॉक प्लेस करने हैं एंड यहाँ पे तीन ब्लॉक प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे दो एंड एक ब्लॉक प्लेस कर देना है, जिससे आपका ये बन जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको एक और स्मूथ स्टोन की लाइन प्लेस करनी पड़ेगी आई थिंक सो। फिर से स्मूथ स्टोन कम पड़ गए। ओके तो गाइस मुझे स्मूथ स्टोन सिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मेरे घर पे ऑलरेडी पड़े थे, तो मैं लीडरा से जल्दी से उड़ के लेके आ गया, ठीक है। एंड अभी इनको भी हटा देते हैं, हमको सब कुछ अब स्मूथ स्टोन से कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड फिर से वही करना है, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, ओके तो ये हो गया। एंड अभी आपको यहाँ पे एक वाटर बकेट नहीं डालनी है, अभी आपको वाटर बकेट जो है इधर डालनी है, ठीक है। आपके पास जितनी वाटर बकेट है आपको जो है इधर इधर डालनी है हर एक जगह पे, ठीक है। ये ऊपर वाली जगह को छोड़ के हर जगह आपको ऐसे करना है, ठीक है। एंड हर जगह आपको सेम टू सेम ये पैलेट भी बनाना है, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार आता है एंड एक दो तीन, एक दो तीन एंड सेम चीज़ें अब आपको सभी जगह पे फॉलो करनी है, ठीक है। अभी तो ये जब आप सभी जगह पानी डाल दोगे तो अभी आपको जो ये आपने पिलर से बनाए थे ये चार ब्लॉक के, उस पर ऊपर पानी डालना है। ये जो कॉर्नर वाले ब्लॉक है इन पे पानी डाल दोगे आप, तो ये देख सकते हो ये आपका एक ऐसा फ्लो सा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भर लेते हैं वापस से एंड इस साइड भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो गाइस उसके लिए सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना गया मैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ना यहाँ पे इस जगह को ना ढक देना है। अरे यार एक तो ये पता नहीं क्या ये गोस्ट ब्लॉक क्यों बन जा रहे हैं, आ जाओ। ओके आगे तो आपको ये जगह को थोड़ा सा कवर कर देना है। यार पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। ओके तो ये चार ब्लॉक्स आपको ऐसे ढक देने हैं एंड अभी आपको नीचे प्लेटफॉर्म बनाना है, तो उसके लिए आपको ऐसे वाटर डालना है नीचे, ठीक है। एंड देन आप वाटर के थ्रू नीचे जाओगे एंड आपको ऐसे ऐसे ब्लॉक प्लेस करने के, आपको कितना नीचे चाहिए। तो मैं ऐसे चार एंड पाँच, पाँच एंड छः ब्लॉक नीचे कर दूंगा एंड इसको जो है इस ओ शिट एंड अभी हमको ट्राई करना है कि हम उस पर ब्लॉक प्लेस कर दें। तो यहाँ पे ब्लॉक प्लेस हो चुका है मेरा, तो बस हमको इस पर जंप मारना है एंड इन सभी को ब्रेक कर देना है। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, ठीक है, तो अंधेरे को माइंड मत करना, इसको भी तोड़ देते हैं। ओके तो आ चुके हैं हम पाँच ब्लॉक के, तो अभी आपको जितना भी चाहिए अपना स्पेस उतना स्पेस बना लो यहाँ पे, ठीक है। ओके तो गाइस यहाँ पे हो चुका है, तो जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ एक बार वापस से। ओके तो अभी आपको जो है ये चार ब्लॉक ब्रेक करने हैं, ये हो गया एंड ट्रैप डोर्स लगा देने हैं, दो ट्रैप डोर लगा देने हैं, जिससे वो लोग इसे फुल ब्लॉक समझेंगे एंड धक्का मुक्की करने के बजाय वो खुद ब खुद इसके अंदर जाके गिरना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंड एक दो इधर हो गया आई थिंक सो। नहीं यार यहाँ तक पानी पहुँचेगा नहीं, तो शायद वो उसके ऊपर खड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं साइंस ही लगा देता हूँ, ठीक है, धक्का मुक्की करने देते हैं उनको। यार एक तो बटन वाला पता नहीं किस गधे ने हटा दिया कि बटन फुल ब्लॉक नहीं होंगे।
कौन गधा था यार ये बनाने वाला। तो आपको साइन को यूज़ करना है इस ब्लॉक पे, आपको एक साइन रखना है, देन आपको इस साइन के ऊपर ध्यान से देखोगे आपको एक वो मिलेगा, आउटलाइन मिलेगा, तो उसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऊपर एक साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक साइन ऐसे प्लेस करना है यहाँ पे, एंड देन एक यहाँ पे हुआ, फिर से करो, ओके यहाँ पे तो हो गया, एंड एक एक यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे चार साइंस लगा देने हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका साइन वाला। अभी आपको ट्राइडेंट किलर बनाना है, तो उसके लिए जो है मुझे ऊपर आके अपने रेडस्टोन बॉक्स से थोड़ा सामान लेके आना पड़ेगा, ठीक है, देन उससे हम बना पाएंगे इजी पीजी। एंड गाइज अपने इस वाटर वाले को भी बंद कर दो, वाटर सोर्स को दो बकेट भर लो अगर आपको भरनी है, बाद में इसको ऐसे कर दोगे एंड बाकी इसको तोड़ दो, ठीक है। तो आपका वाटर सोर्स जो है ख़त्म हो जाएगा। ओके तो ये हो गया, चलते हैं वापस से इसके अंदर एंड अपना जो है वो बना लेते हैं ट्राइडेंट किलर। ओके तो ट्राइडेंट किलर के लिए सबसे पहले आपको दो ब्लॉक इधर प्लेस करने हैं, एंड इधर इधर एंड इधर, फिर से आपको दो ब्लॉक और प्लेस करने हैं, एंड आई थिंक सो अभी आपको जो है यहाँ पे पिस्टन्स प्लेस करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो इससे आपको ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि आपको इससे एक्सपी मिलेगी, ठीक है, ये बिना एक्सपी वाले के लिए बना रहे हैं हम इस फार्म को, ठीक है। एंड अभी आपको जो है यहाँ पे एक एक टॉर्च लगा देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर आप सीधा खड़े रहोगे तो आपको राइट साइड की तरफ टॉर्च लगा देना, किसी पे भी देखो आप सीधा खड़े रहोगे तो राइट साइड पे टॉर्च लगा दो, जैसे यहाँ पे मैं सीधा खड़ा हूँ तो इस पे टॉर्च आएगी, ठीक है। तो वुड है मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे टॉर्च लगाने के बाद आपको जो है एक लीवर भी बना लेना है अभी, नहीं तो आपको बाद में ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। एक लीवर बना लो अभी आप, एंड अभी एक ऑब्जर्वर यहाँ पर लगाओ, एंड देन टॉर्च पे लगाना है, ठीक है। देखो वहाँ पे जैसे आपको टॉर्च का यहाँ पे हिट बॉक्स दिख रहा है ना, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, तो ऐसे ऑब्जर्वर लग जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड यहाँ पे भी, एंड लास्ट वाला लगाने से पहले आपको बाहर आ जाना है, ठीक है, देन आपको यहाँ पे लगा देना है, ये हो गया। तो ये जो है ऐसे शुरू हो जाएगा, आई थिंक सो हो जाना चाहिए था। वेट अ मिनट, मैं शायद ना टॉर्च लगा के चेक कर लेता हूँ वर्क करता है कि नहीं करता। ओके तो गाइस वर्क कर रहा है। ओके ये आपको बस एक किसी भी पिस्टन पे जो है एक ये लगा देना है, लीवर लगा देना है, तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर से अब ब्रेक इन करता हूँ फिलहाल के लिए, एंड इसको भी तोड़ देते हैं क्योंकि आपको अभी होपर्स लगाने हैं, ठीक है। ओके तो ये भी स्टॉप हो गया, तो आपको यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करना है, एंड आपको हर एक जगह पे लाइक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करना है एंड इसे ढक देना है, ठीक है। यहाँ पे आप ग्लास भी प्लेस कर सकते हो, बट मैं फ़िलहाल ब्लॉक के साथ ही जाऊँगा। एंड यहाँ पे अब आपको हॉपर प्लेस करने है, ठीक है। अरे हट जा, यप यहाँ पे अगर आप हॉपर प्लेस कर दो जल्दी से यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हॉपर प्लेस, तो अभी आप यहाँ से बाहर आ जाओ, तो आपका ट्राइडेंट के लिए रेडी है। इसके अंदर एक ट्राइडेंट फेंक देना एंड मैं इसको ग्लास से रिप्लेस कर दूंगा बाद में, ठीक है। एंड ये भी हो गया, लाइक हमारा किलर भी हो गया, स्टोरेज भी हो गया। अब फाइनल चीज़ आती है हमारा AFK स्पॉट, वो जगह जहाँ पे आप बैठ के जो है AFK करोगे एंड आपको सारी की सारी लूट आपके हाथ में देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, जो मैं उड़ के जाऊँगा, मेरे पास रॉकेट्स नहीं है, बट ठीक है कोई नहीं। नहीं तो आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर से भी जा सकते हो, लाइक यहाँ से, या आप वो थर्ड ब्लॉक से जाओ, वो देख रहे हो थर्ड लेयर, वहाँ से जा सकते हो आप, वो काफ़ी परफेक्ट रहेगा। तो बट मैं सेकंड लेयर से जाऊँगा। यहाँ पे आपको जो है इसका कोई भी मिडल देख लेना है, ये है हमारा मिडल फिलहाल के लिए। एंड यहाँ से हम एक ट्रैपडोर को ब्रेक कर देंगे एंड अभी आपको 25 ब्लॉक के अराउंड ट्रैवल करना है, ठीक है। इधर से चलते हैं ऊपर एंड यहाँ पर पढ़ते हैं 1 2, वेट अ मिनट, यहाँ पर आ जाते हैं 3, ये 4, एंड अब आ जाते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, ठीक है। तो ये जो 25 वाला ब्लॉक है ये आपका बनेगा AFK स्पॉट। तो यहाँ पे आप दो दो ब्लॉक प्लेस करो, एक इधर एंड एक इधर, देन यहाँ से दो ब्लॉक और प्लेस करो एंड इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो ये वाला जो जगह होगा आपका, ये वाला जगह, ये बन जाएगा आपका AFK स्पॉट, ये वाला। या अगर आप नहीं, ये थोड़ा सा यार दूर हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, आपको ये बनाना है अपना AFK स्पॉट, ये वाला ब्लॉक आपका 25वां ब्लॉक है। तो ये आपके AFK स्पॉट है, जब भी आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो वहाँ पे एफिशिएंट मॉब स्पॉन होंगे। अगर आप इससे ज़्यादा दूर जाओगे, लाइक 4-5 ब्लॉक दूर जाओगे, तो यहाँ पे स्पॉन होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी स्पॉन काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दिया है इन्होंने, थोड़ा सा भी दूर जाते ये डीस्पॉन मारने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका पूरा का पूरा फार्म कम्प्लीट। ऑलराइट, तो गाइस सारी सारी चीज़ें बन चुकी हैं एंड ये डे 2 है। लाइक कल रात को जो है काफ़ी टाइम हो गया था तो मैं रिकॉर्ड करना छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं एंड बहुत सारी चीज़ें कर ली है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्टोरेज सिस्टम भी बना लिया हमने, ठीक है। एंड ये बना दिया अपना स्टोरेज सिस्टम। अब कोई कहना नहीं कि तू इधर टेस्ट लगा सकता था, तो तूने दो होपर क्यों वेस्ट करे, मुझे नहीं पता, बस मुझे अच्छा लग रहा था ये वाला, ठीक है। एंड दो एक ट्राइडेंट भी डाल दिया है अंदर हमने, ठीक है, एक ट्राइडेंट भी डाल दिया है एंड अपना बाकी सब कुछ कर लिया। यहाँ पे कारपेट वगैरह लगा देना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ आपको और कहाँ कारपेट लगाना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा AFK स्पॉट, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा AFK स्पॉट भी है 25 ब्लॉक दूर इससे, ठीक है। एंड अभी चलते कारपेट बताता हूँ आपको कहाँ लगाना है, और कारपेट एक जगह और लगाना है जो मैं वीडियो में बताना भूल गया था, ठीक है। तो वो देख सकते हो जहाँ पे हमने वाटर्स लगा रखे हैं ना, वहाँ पे देखो वहाँ पे भी कारपेट लगा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो वहाँ पे लगा देना जिससे जो है वहाँ पे लोग स्पॉन ना हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, मैं उधर से एक बार ना अपना वो ऑन कर देता हूँ, ट्राइडेंट किलर ऑन करते हैं, देन अरे शिट 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 को ना यहाँ पे ट्राइडेंट किलर को ऑन कर देते हैं एंड चलते हैं इधर से, ठीक है। ओके, तो गाइज ये देख सकते हो ये हमारा AFK स्पॉट। तो अभी आपको जो है ऑन करने के लिए, अपने स्पॉन्स को ऑन करने के लिए पीसफुल को हार्ड पे सेट करना है एंड अभी वेट करना है। यहीं पे जो है थोड़ी देर में स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, या आपको एक बार उसके पास जाना पड़ेगा, बट वेट करते हैं थोड़ा सा, आई थिंक सो यहीं पे स्पॉन हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो क्रीपर स्पॉन हुआ अभी, लाइक थोड़ा सा टाइम लगा रहा है कि पता नहीं क्यों, आई थिंक सो AFK स्पॉट पता नहीं क्या, ठीक है। बस क्रीपर स्पॉन हुआ इतना तो है, लाइक धीरे धीरे करके स्पॉन हो रहे हैं क्रीपर। आई थिंक सो नीचे कुछ ना वो होगा हमारा, कोई मॉब कैप होगा, वो देखते हैं। वहाँ पे आइलैंड भी है एक, नहीं इससे इतना दूर तो नहीं है, बट ठीक है देखते हैं। लाइक धीरे धीरे स्पॉन तो हो रहे हैं ये, मेरे को लाइक काफ़ी देर तक AFK करना पड़ सकता है यहाँ पे अगर मुझे क्रीपर वगैरह चाहिए तो। मैंने लूटिंग 3 की स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ी थी, ठीक है, बहुत सही। ओके, तो गाइस अभी देख सकते हो अभी क्रीपर स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं, पता नहीं शायद पहले एक चाहिए रहता होगा, फिर ओके देखो तीन तीन चार चार एक साथ गिर रहे हैं अब, तो वो देखो फिर से अब चल रहा है लाइक क्रीपर फार्म, अब अच्छे से वर्क कर रहा है, अब लग रहा है कि ये क्रीपर फार्म है। एंड मैंने लूटिंग 3 की स्वॉर्ड पकड़ ली तो अब लूटिंग का इफेक्ट भी मिलेगा, ठीक है। और शुगर है भाई क्रीपर फार्म चला, वो देखो नीचे भी स्पॉन हो रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो एक बार जो हम रेट देख के आ जाते हैं कितने जो हैं वो हैं हमारे पास गन पाउडर हैं फिलहाल, कितने आ चुके हैं, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसे बंद करते, 2 मिनट रुक जा भाई, रुक जा सांस ले, ठीक है। तो अभी चेक करते क्या क्या है हमारे पास। 11 गन पाउडर आ भी चुके हैं जो एक ठीक ठीक रेट है। तो नहीं वो बाहर नहीं आ रहे थे, यहाँ पे ना एक मैंने गलती से छोड़ दिया था, ठीक है, एक जगह छोड़ दी थी जहाँ से वो लोग बाहर आ रहे थे, ये लेते हैं एंड इस ब्लॉक को हटा देते हैं। मैं पता नहीं भूल कैसे गया, ट्राइडेंट डालने के लिए खोला था मैंने वो एंड वो ऐसे का ऐसे छोड़ दिया था, ठीक है। तो इन सबको हटा लेते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड क्रीपर स्पॉन हो रहे हैं, हाँ मैं AFK वगैरह कर सकता हूँ 1-2 घंटे यहाँ पे मस्त। एंड रेट्स देखो यार, मुझे पता नहीं है रेट्स कितने मिलेंगे आपको, बट हाँ ठीक ठीक मिल जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, तो बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी क्योंकि पूरा लाइक ट्यूटोरियल दिया मैंने, अब मैं आपको एक एक ब्लॉक प्लेस करके नहीं दिखा सकता, तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता, ठीक है। तो बस फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते किसी और दिन किसी और फॉर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सेवन हो रहा, पीस आउट।